कार्यक्रम के लिए? भारत गौरव अवार्ड डॉक्टर संदेश यादव का जो परिश्रम रहा है और उनका जो भारत में एक प्रयास रहा है कि ऐसे लोग जो किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वन नेशन वन अवार्ड एंड इंडियाज नोबल, ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरित की है और ये हम लोगों के लिए प्रेरणा होता है। मैं स्वयं संत हूँ लेकिन पहले भारत का एक नागरिक हूँ और भारत के गौरव अवार्ड को पाने से सबको आनंद की अनुभूति होती है और कार्य और बढ़ जाता है, और भी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के अंतिम सांस तक भारत के लिए काम करते रहें, मानवता के लिए काम करते रहें, सनातन संस्कृति के लिए काम करते रहें, यही बस आकांक्षा है और ये अवार्ड उस दिशा में काम करने की हमें प्रेरणा देती है। प्रोत्साहन प्रेरणा की बात और मुझे मेरा अपना विचार ये है कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रह गई, चूंकि सदगुरु नितेश्वर जी महाराज ने यहाँ बहुत अच्छी बातें कह दी और मैं अपने आप को उन सब बातों से संबद्ध करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने आप सम्मानित करें। सर प्लीज सर त्रिवेंद्र मांग के तौर पर ठीक है। जिन लोगों ने आपको बताना चाहता हूँ कि नंदना का अर्थ है बेटी। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास के मॉडल को विकसित प्रबंधित करने में याद कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन जीते हुए सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विपुल गोयल जी को भारत गौरव पुरस्कार भारत गौरव पुरस्कार के अगले प्राप्तकर्ता है माननीय सांसद श्री गणेश जी को संसदीय सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित भारत सरकार की महत्वपूर्ण समितियों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। माननीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को संसदीय सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मान। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर मुकेश कुमार प्रजापति जी को पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान में मैंने उनको कहा कि आपको घर में बुलावो कैसे होगा, आप तो बेटियों को जिंदा रखते ही नहीं हो। तो मेरे को प्रॉमिस किया मेरे समाज वालों ने, कहा कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी गुलाब हो चाहिए। तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा है और जितनी खुशी मुझे पद्मश्री मिलने पे हुई थी और जब उनका फोन आया था, जब मेरे को एकदम सुबह सुबह 8 बजे इतनी खुशी हुई और आज भारत गौरव अवार्ड मिलके और उतनी ही खुशी मुझे आज हुई है कि मैं एक भारत की बेटी हूँ और भारत गौरव अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरी जैसी लड़की के लिए कि जो हम लोग जंगल में रहते हैं, घर घर जाके भीख मांग के और कई टाइम पे तो हम लोग भूखे ही सो गए, आज उस बच्ची को और उस लड़की को आज ये जो अवार्ड मिला है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही चाहूँगी भारत सरकार से और हमारे गौरव भारत जो अवार्ड संस्था इनकी तरफ से कि वो इसी तरीके से सम्मान करते रहें और सब लोगों को इसी तरीके से मान सम्मान बढ़ाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दे। मुझे पद्मश्री मिलने पे जिम्मेदारी मेरे को मिली थी कि मैं भारत सरकार का नाम करूं, आज मुझे और एक जिम्मेदारी मिली है कि भारत गौरव जो अवार्ड मिला है उसकी मैं पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और सोचूंगा कि और बहुत सारी घर घर में गुलाबों हो और इसी तरीके से उनको मान सम्मान मिले। और मैं फिर से भारत गौरव अवार्ड वालों को और उन संस्था को वो बहुत बहुत बधाई देती मेरी तरफ से। आज भारत गौरव फाउंडेशन की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है
उसके लिए मैं सबसे पहले उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सचमुच एक अच्छी पहल है, जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का अवार्ड दिया जाता है, उससे उनके काम करने की क्षमता और बढ़ती है और दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होते हैं। मैं भारत गौरव फाउंडेशन का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ भारत गौरव फाउंडेशन का कि उन्होंने समाज सेवा के कार्य को भी अपने आप पहचाना, और कोशिश करूँगा कि आगे भी समाज सेवा में जो भी मैं कर सकूँ करता रहूँ। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस चीज़ को आखिर लोगों तक तो आप ही पहुँचाएंगे।